दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मेदांता मेडिकंसल्ट सेंटर जम्मू। पूरे जम्मू में जहां भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंप लगाए जा रहे हैं, वहीं आज वार्ड नंबर 23 में भी पार्षद पवन सिंह की देखरेख में आयुष्मान कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों के हेल्थ कार्ड बनवाए गए। इसी संबंध में हमारे संवाददाता राहुल खत्री ने पार्षद पवन सिंह से बातचीत कर जानकारी हासिल की। जमा करा दीजिए, पटवारी आएगा, सब पे साइन करेगा। लड़की है वहाँ पे जमा करा होगा। हाँ जी, हम क्या करिए, हम जमा करा दीजिए। लड़के के लिए मेरे पीछे आप एक बोर्ड पढ़ रहे होंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर परिवार में किसी का भी कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड, आधार कार्ड और श्रमिक कार्ड या जो भी फॉर्मेलिटीज आपकी रह गई हैं वो यहाँ पर पूरी होंगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए खास पार्षद वार्ड नंबर 23 के पवन सिंह जी हैं। पवन सिंह जी, बहुत से लोगों को पहले दिक्कतें आती थी कि जाना कहाँ पर है, पटवारी कहीं पर बैठते थे, फॉर्म कहीं से फिल करना है। ये जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि एक ही जगह पर लोगों को 10 जगह घूमने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह पर तमाम सुविधाएं प्रदान की जाएं, कितने दिन यहाँ पर नई बस्ती में और कैंप लग रहा है और कब से शुरुआत हुई है? ये कैंप की शुरुआत कल से शुरू हुई है और जब तक इस इलाके का प्रत्येक नागरिक यहाँ पर रजिस्टर करवा के अपना आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं ले पाता तब तक ये कैंप यहाँ से नहीं हटेगा। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो खासकर जम्मू कश्मीर के लिए आयुष्मान भारत की जो स्कीम लॉन्च हुई थी तो उसमें विभिन्न विभागों का योगदान चाहिए था। कोई विभाग जैसे मान लो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ के पटवारी कहीं और जगह पे बैठते हैं जैसे गाड़ीगढ़, और हमारे यहाँ के जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो इधर वेयर हाउस के पास है। कॉरपोरेटर के भी साइन चाहिए, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी डॉक्टर के साइन चाहिए, तो हमारे जो लोग हैं इनको थोड़ी सी उसमें मुश्किल आ रही थी। कभी सारे व्यस्त होते हैं, सब काम करने वाले लोग होते हैं, कोई कभी काम पे व्यस्त था, कोई अपने विभाग वाला व्यस्त था, कभी मैं मौजूद नहीं था। इसलिए सारी समस्याओं को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक जगह सब बैठ के जो लोग हमसे सुविधा मांगते हैं, जो हम गुड गवर्नेंस का नारा देते हैं कि टू डिलीवर द पब्लिक, जो उनकी फैसिलिटी जिस योग्य उन्होंने हमें बनाया है तो वो उनको मिलनी चाहिए। और ये जब एलजी साहब के ध्यान में आई, डीसी जम्मू, डिवकॉम के ध्यान में आई, हम सब ने मिल बैठ के इस पर चर्चा की और ये विभिन्न जगह पे कैंप लगे। आज नई बस्ती राम दरबार मंदिर में लगा है, इससे 15 दिन पहले डिगियाना में लगा था, ऐसे ही चट्ठा में लगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी नागरिक जम्मू कश्मीर का रह गया है वो आपके माध्यम से, मैं उनसे एक निवेदन है कि यहाँ पे आके उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवा के तुरंत अपना आयुष्मान कार्ड प्राप्त करें। पवन जी, ये हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर मेंशन किया गया है, जैसे हमारे पीछे लिखा है काउंटर सी, इसी तरीके से काउंटर बी, काउंटर ए, क्या इसके साथ साथ कुछ लोगों को इसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, जागरूक करवाया जा रहा, समझाया जा रहा है? क्योंकि आज के ज़माने में जो 50 से ऊपर के जो लोग हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाते, उनको ऑनलाइन सिस्टम का नहीं मालूम, कुछ संख्या ऐसी भी है, तो उनको किस तरीके से समझाया जा रहा है कि इसका लाभ कैसे है, कितने फ़ायदेमंद है, ये भी साथ साथ समझाया जा रहा है? देखिए, भारतवर्ष में 70% आबादी गाँव में रहती है, तो किसी प्रकार से कोई समझ लीजिए अगर नहीं पढ़ पाया या जिसको इसकी नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये जागृति कैंप के साथ 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 में उसी समय डिलीवर जो सरकार की स्कीमें हैं, चाहे ई श्रम कार्ड के रूप में, चाहे आयुष्मान भारत के रूप में, चाहे लेबर कार्ड के रूप में, या किसी विभाग को, किसी लोगों को अगर प्रॉब्लम आती है फूड एंड सप्लाई, तो हमारे एडी साहब यहाँ पे हरपाल जी बैठे हैं, मौके पे उस मसले को दुरुस्त कर रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें पवन जी ये भी रहती हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनकी तरफ से बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि उस योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर कुछ कमियां ज़रूर हैं देखने को मिलती हैं किसी ना किसी विभाग की, जिस वजह से लोगों तक फ़ायदे नहीं पहुंच पाते?
ये खासकर जम्मू कश्मीर में, दिल्ली तो मैं मानता हूँ शुरू से ही पहले लोग वहाँ पे सजग हैं, या बॉम्बे ले लीजिए जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जम्मू अब अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो यहाँ पे जागरूकता चाहिए। हमारे भी जो अफसर हैं सब काम करने वाले हैं, लेकिन हो सकता था उस समय इस लेवल का काम ना होता हो, लेकिन अब और खासकर जो इलेक्टेड आदमी होता है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, उसको वहाँ की परेशानियों की पता होता है कि इस गली में क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, महिलाओं को किस चीज़ की ज़रूरत है, बुज़ुर्गों को किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब वो सारी समस्याएं डिपार्टमेंट के साथ बैठ के बात करता है तो उसका हल निकलता है। जैसे अभी ये आयुष्मान स्कीम कब से लॉन्च हुई है, लेकिन अभी तक नहीं लोगों को डिलीवर हो पा रही थी। जब हम सब लोग बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले और ये जो प्रशासनिक लोग हमारे साथ बैठे और राजनीतिक प्रशासन जिसको हमें कहा जाता है, तो मिल बैठ के फैसला किया और देखिए अब लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। जाने से पहले एक अहम सवाल, निष्ठावान तरीके से जो हैं कॉरपोरेटर 75 के 75 जो हैं वो अपना काम जो है कार्यरत तौर पर कर रहे हैं, और लोगों की अगर बात करें उनकी जो जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं लोग उनकी बात भी रख रहे हैं। आखिरी मीटिंग जो 11 तरीक को हुई, उस मीटिंग पर थोड़ा सा आएंगे क्योंकि उससे पहले भी हमने चर्चा की आपके साथ, क्या कुछ मामले कुछ रह गए थे जो अभी स्ट्रीमलाइन होने बाकी थे जो उस मीटिंग में चर्चा का विषय बने? देखिए कई मामले उसमें रह गए हैं। बेसिकली जम्मू शहर अगर स्मार्ट सिटी के अंडर आ रहा है तो वहाँ पे जो लोगों को सुविधाएं चाहिए, खासकर बिल्डिंग बायलास जी, कि हमारे यहाँ पे लोग अगर अपने मकान बनाना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि कॉरपोरेशन उनको परमिशन दे, तो इस तरह के जो बिल्डिंग बायलास थे पहले के, उस हिसाब से हम उनको परमिशन नहीं दे पाते थे एरिया वाइज। अब हमने 5 फुट जो अगर गली है, 10 फुट की गली है, 20 फुट की गली है, वहाँ पे परमिट कर रहे हैं कि लोग पैसा कॉरपोरेशन में जमा कराएं, अपने मकान बनाएं। और जो कॉरपोरेशन हमेशा कहती है कि हमारे पास फंड्स का अभाव है, लोग पैसा देने चाहते हैं। पहले क्या होता था कि और तरह से मकान बनते थे, इंक्रोचमेंट होती थी, फिर किसी का मकान गिराया जाता था। उन सब चीज़ों को देखते हुए अब हमने ये फैसला लिया है कि बिल्डिंग बायलास से लोगों को हम सुविधा दें, जो गरीब लोग अपना कोई कमरा बनाना चाहता है कॉरपोरेशन परमिशन देगी उनको, उसके वहाँ पे वो फीस जमा कराएगा ताकि इस रिश्वत रूप की जो बीमारी है इस पर रोकथाम लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए कि हालांकि प्रयास लगातार ये की जा रहे हैं कि आम जनता तक जो है वो तमाम सुविधाएं पहुँचे हैं जिनका कभी ना कभी कई किसी वजह से जो है उन तक लाभ नहीं पहुंच पाता, और कोशिशें लगातार एक तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जा रही हैं और वहीं पर सेम समय पर एक प्रयास जो है वो जनता की तरफ से भी रहता है कि कुछ चीज़ें जो हैं उनको समझना पड़ता है और उसके लिए समय भी चाहिए होता है। तो एक और एक 11 होते हैं, एक तरफा प्रयास और एक तरफी आस जो है वो हमेशा जो है बीच मझधार में लटक जाती है। कोशिशें एक तरफ से हैं और बाकी प्रयास जो है वो जनता की तरफ से भी जरूर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। देखते रहिए द जेके पेजेस, इंग्लिश के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।